नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर। बिहार में इस साल अक्टूबर महीने में नगर निगम का चुनाव होना है। ऐसे में नगर निगम के चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वार्ड काउंसलर पद के लिए आरक्षण का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। ऐसे में बताया गया है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को और प्रमंडलीय आयुक्तों को नई गाइडलाइन की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। बता दें कि इसी नए नियम के तहत अब वार्ड काउंसलर पद के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। आपको भी बता दें कि बिहार में नगर निगम चुनाव में देरी होने के कई कारण सामने आए, जिसमें निगम का विस्तार करना, उसके बाद परिसीमन में जो है एक लंबा समय लगा और फिर आरक्षण रोस्टर तैयार करना। ऐसे में बिहार में नगर निगम चुनाव में देरी के कई कारणों को हमने आपको बताया है। प्रदेश में निगम चुनाव में वर्तमान में सिर्फ वार्ड काउंसलर के पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया गया। बता दें कि आने वाले समय में नगर निगम में महापौर व उप महापौर तथा नगर पंचायत और नगर परिषद के प्रमुख व उप प्रमुख के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस दौरान चुनाव आयोग ने जिलों से कहा है कि इस साल प्रदेश में 248 नगर पालिकाओं में आम चुनाव संपन्न कराया जाना है, जिसके तहत 172 नए या फिर उत्क्रमित या फिर क्षेत्र विस्तार वाले नगर निकाय हैं जहां पर चुनाव होना तय है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पहले से गठित नगर निकायों में कुल 62 पार्षदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि चुनाव आयोग ने आयुक्तों के लिखे पत्र में यह बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य सरकार को निर्णय उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जितने तरह के आरक्षण होंगे वह 50% के अंदर होंगे। ये तो बात हो गई आरक्षण को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं बूथ स्तर की क्या स्थिति है। चुनाव आयोग ने नगर निगम को लेकर जो निर्देश जारी किया है, उसमें सभी नगर पालिकाओं के मतदान के लिए बूथों के गठन का कार्य जल्द कर लिया जाए, इसको लेकर भी निर्देश जारी किया है। आयोग ने बूथों को चरणवार तैयार करने को कहा गया है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 144 नगर पालिका का, तो वहीं दूसरे चरण में 80 नगर पालिका का, तीसरे चरण में 6 नगर पालिका का, चौथे चरण में 9 नगर पालिका और पाँचवें चरण में 5 नगर पालिका के वार्डों का परिसीमन, साथ ही साथ वार्डों के मतदाता सूची के साथ साथ इन बूथों का गठन का निर्देश भी आयोग की तरफ से जारी किया गया है। आयोग की तरफ से जारी पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 12(2) के तहत हर नगरपालिका में सदस्यों की कुल संख्या का 50% के निकट लेकिन इससे अधिक स्थानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के तहत रखा जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आरक्षण का प्रावधान 50% के अंदर ही होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर किसी कोटी में मात्र एक सीट ही उपलब्ध है तो यह महिला की सीट उपलब्ध नहीं माना जाएगा। बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की सूची जिलाधिकारी के द्वारा निर्देशित की जाएगी। साथ ही साथ नगर पालिका की मतदाता सूची का निर्माण भी नए सिरे से किया जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि अब जो है नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो है एक्टिव मोड में आ गया है और अब जो है परिसीमन के साथ साथ आरक्षण की स्थितियों पर भी जो है स्पष्टीकरण सामने आने लगे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।